हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 42D, 4 क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11th अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल कर दी गई है। सो ये आपकी आज की डेट में 4 वर्कशीट आपको शेड्यूल की गई हैं और इससे आपका जो चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम वो कम्प्लीट हो जाता है। तो ये लास्ट वर्कशीट है आपकी इस चैप्टर की, ठीक है, जैव प्रक्रम चैप्टर, जो कि आपका 6th चैप्टर है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है आपका वो क्या है, उत्सर्जन। तो सभी बच्चे जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है, यानी हमारे शरीर में कुछ जो है हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं उनको, उन वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। सभी बच्चे जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। वर्ज्य पदार्थ यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन आवश्यक हो जाता है। यानी अगर हम उन वर्ज्य पदार्थों को नहीं निकालेंगे तो जो है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाएंगे। अब देखिए, एक कोशिक व बहुकोशिक जीवों में श्वसन, तो विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विविध युक्तियां करते हैं। तो एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों में जो है उत्सर्जन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, एक कोशिक जीव जो हैं वो अपने अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। यानी इसके लिए वो विसरण जो प्रोसेस होता है बच्चों, विसरण उस प्रक्रिया का यूज करते हैं, शरीर के अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में वो उसका विसरण करते हैं। लेकिन बहुकोशिक जीव जैसा कि हमारे अंदर होता है, हम अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। यानी जो भी नुकसानदायक वर्ज्य पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए विशिष्ट अंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मानव में उत्सर्जन। यानी हमारे अंदर यानी मानव में उत्सर्जन के लिए कौन सा तंत्र है और वो किस तरह से काम करता है वो हम पढ़ेंगे। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करना है। तो बच्चों, शरीर में जो हमारे नाइट्रोजन युक्त जो हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, उनको शरीर से निकालना वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जो ये तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, इसके क्या क्या अंग हैं, तो इसमें देखिए एक जोड़ा वृक्क, यानी जिनको हम गुर्दे कहते हैं, किडनी कहते हैं, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी। तो आप यहाँ पर साथ साथ चित्र में भी देख सकते हो कि ये जो है ये क्या है, ये वृक्क है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बायां वृक्क है वो जो है दाएं वृक्क से थोड़ा सा कुछ है, इसकी पोजीशन जो है वो थोड़ी इससे ऊपर होती है। तो यहाँ पर एक जोड़ा क्या है, वृक्क है, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी। तो ये जो है ये नलियां, ये क्या है, ये मूत्र वाहिनी है। एक मूत्राशय, तो ये जो है क्या है, ये मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो ये सारे अंग जो है मानव के उत्सर्जन तंत्र में होते हैं। अब देखिए, उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले क्या है, वृक्क है। तो वृक्क जो है उदर, उदर यानी जो हमारा पेट है, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो ये जो हमारी उदर गुहिका है, ठीक है, हमने दो तरह की गुहिका पढ़ी थी, वक्ष गुहिका और उदर गुहिका। तो जो हमारी उदर गुहिका है उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ये स्थित होते हैं। मूत्र वाहिनी, वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। तो ये क्या थी, ये मूत्र वाहिनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय यानी जो भी यहाँ पर जो मूत्र बनता है, वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं तरल अवस्था में, वो सारे मूत्राशय के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। मूत्र वाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण ये करता है। उसके बाद मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग से जो है क्या होगा, मूत्र का निष्कासन होता है, यानी जो मूत्र है वो जो है बाहर निकलता है। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या है, बाईं वृक्क धमनी है, उसके अलावा ये बाईं वृक्क जो है शिराएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये महाशिरा है। तो ये अलग अलग इसमें पार्ट हैं।
अब देखिए मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, उनको छानकर बाहर करना है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छानकर बाहर करना है। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों ये यहाँ से जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, ये इनको जो है क्या होते हैं, ये छान देते हैं और फिर जो मूत्र है वो मूत्र जो वाहिनी है इससे होते हुए मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है और बाद में उसको शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क का निसंयंदन एकक। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ये जो है वृक्काणु या नेफ्रॉन है, अब इसमें क्या है और ये क्या होता है, तो ये जो हमारे जो गुर्दे हैं, वृक्क हैं, इनके अंदर जो भी क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, जो क्रिया कर रही है, जो कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। और ये इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, केवल एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं जो कि ये छानने का काम करते हैं। तो यानी ये वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वृक्काणु या नेफ्रॉन ये वृक्क की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई है। अब देखिए इसमें डायग्राम को अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप देखिए ये जो कप जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये कप जैसी जो संरचना है बच्चों, ये क्या है, इसको हम कहते हैं बोमन संपुट, ठीक है। उसके बाद इस बोमन संपुट में कुछ इस तरह से ये उलझी हुई रुधिर वाहिकाएं हैं जिसको हम कहते हैं कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद इसमें वृक्क की धमनी की शाखा है और वृक्क शिरा की शाखाएं हैं, जो रक्त है वो इनमें आके और यहाँ पर फिर छनता है, फिल्टर होता है। उसके बाद ये जो है वृक्क का नलिकाकार भाग है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ भाग जो है ये सारा क्या है, नलिकाकार भाग है। उसके बाद ये यू शेप की नली यहाँ से इस तरह होती हुई फिर से ये भाग जो है ये क्या बन जाता है, इस तरह नलिकाकार भाग बन जाता है। और फिर ये इस तरह से यहाँ पर संग्राहक वाहिनी है और ये जो संग्राहक वाहिनी है बच्चों, ये जो है मूत्र वाहिनी से जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ से जो मूत्र है वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कि जो मूत्र है वो किस प्रकार बनता है, उसकी कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। तो देखिए नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण। शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निसंयंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। तो अधिक दाब पे सबसे पहले जो भी जो रक्त है वो कहाँ आएगा, केशिका गुच्छ में आएगा और वहां पर उसका निसंयंदन यानी फिल्टर होगा बोमन संपुट के अंदर। तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है जहाँ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो जो रुधिर है वो हमने अभी जो डायग्राम देखा था तो उसके थ्रू जो है फिर क्या होगा, वो रक्त जो है इधर जो ये नलिकाएं हैं, ठीक है, इस तरह से जो नलिकाएं हैं इनसे होता हुआ ये क्या हो जाएगा, ये जो है छन जाएगा। और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है या जल है, वो दोबारा से रक्त के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, उसका पुनर्अवशोषण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे जो मूत्र है वो इन नलिकाओं से प्रवाहित होता जाता है तो कुछ आयन जैसे पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयन है, वो रुधिर से कहाँ होते हैं, मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं इसमें रक्त के अंदर, वो सभी जो है वो यहाँ पर किस में चले जाएंगे, इन नलियों के अंदर प्रवाहित हो जाते हैं रुधिर से।
उसके बाद क्या होता है, तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनर्अवशोषण भी हो जाता है। तो जो भी जल है वो भी यहाँ पर अवशोषित किया जाता है, और जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं, जो वर्ज्य पदार्थ नहीं हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, उनका भी पुनर्अवशोषण हो जाता है अगर वो इन इन जो वृक्काणु की जो नलियाँ हैं इनके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस मूत्र में क्या होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और वह वर्णक भी होता है जो मूत्र को रंग देता है। तो जो ये मूत्र इकट्ठा होगा किसमें, मूत्राशय में, इसमें क्या होंगे, यूरिया, यूरिक अम्ल और वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है वह भी इसी में होता है। अब जो ये फिल्ट्रेशन होती है बच्चों, कम से कम भी, तो ये कम से कम 180 लीटर, आप सोच सकते हो 180 लीटर के करीब जो है, जो रक्त जो है वो छानते हैं ये वृक, ओके, जो गुर्दे हैं। और आपको पता है कि केवल 2 से 3 लीटर ही मूत्र एक या जो होता है वो दिन भर में उत्सर्जित होता है, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ जो निशयंदक है वो वृक नलिकाओं में क्या हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। उसके बाद क्या है, मूत्र का निष्कासन। तो मूत्र बनने के पश्चात वृक से मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, और जहां से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। तो यानी ये जो है यहाँ पर स्टोर होता है, और बाद में जो है इसको एक दबाव के, जब दबाव बनता है तब इसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी आप कह सकते हो इजी क्वेश्चन है। अगर आपने वर्कशीट को अच्छे से समझा है तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। 5 क्वेश्चन है तो आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोशिक जीव में किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो एक कोशिक जीव जो है वो किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करेंगे, एक कोशिक जीव अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित करते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, बहुकोशिक जीवों में उत्सर्जन एक कोशिक जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो बहुकोशिक और एक कोशिक जीवों में कैसे अलग अलग है, तो एक कोशिक जीवों में क्या होता है, अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर दिया जाता है, लेकिन जो बहुकोशिक जीव हैं अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित करते हैं। प्रश्न 3 क्या है, वृक की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो वृक की कार्यात्मक इकाई क्या है, वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक की कार्यात्मक इकाई है, ये हमने पीछे भी किया है वर्कशीट करते हुए। प्रश्न 4 क्या है, यहाँ पर मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निसंयंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और नेफ्रॉन में यह कहाँ होता है। देखिए मूत्र निर्माण में जो अति सूक्ष्म निसंयंदन होता है, यानी जो फिल्ट्रेशन होती है, जो जो रक्त छनता है, तो वो कहाँ छनता है, वो नेफ्रॉन में, बोमन संपुट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमने ये चित्र जो है डिस्कस कर लिया है, आप सुंदर सा चित्र जो है अपनी कॉपी में आप इजिली बना सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर बच्चे को जो वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।